हेलो फ्रेंड, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका कृष्णा होम्योपैथी में। आज हम जानेंगे होम्योपैथी की उस दवाई के बारे में जो आपके लीवर पर, आपके डाइजेशन पर, प्लस आपकी म्यूकस मेम्ब्रेन पर बहुत अच्छा वर्क करती है। तो चलिए आज हम जानते हैं होम्योपैथी की एबीस कैनेडेंसिस मेडिसिन के बारे में। ये मेडिसिन आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम को सॉल्व करती है। तो चलिए आज की वीडियो में हम जानेंगे इस मेडिसिन का इस्तेमाल आप कब करेंगे और कितनी पोटेंसी में इसका इस्तेमाल करेंगे। आप लोग हर बार की तरह कॉपी पेन को हमेशा अपने पास में लेकर बैठिए ताकि आप लोग इम्पॉर्टेंट पॉइंट को नोट डाउन कर सकें। तो चलिए अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्ट टाइम। एबीस कैनेडेंसिस मेडिसिन का जो पेशेंट होगा उनकी भूख सबसे ज़्यादा होगी, यानी वो आपकी क्लिनिक में आकर कंप्लेन करेगा कि वो भूख से भी ज़्यादा खाता है, यानी उनकी कैनाइन हंगर होगी। उनको हमेशा क्रेविंग रहती है नॉनवेज खाने की, प्लस जितने भी रूट वेजिटेबल आते हैं जैसे मूली, शलजम, गाजर, इन सबको खाने का बहुत मन करता है। इससे भी आप आइडिया लगा सकते हैं कि ये पेशेंट एबीस कैनेडेंसिस का है। इसके अलावा ये मेडिसिन आपके म्यूकस मेम्ब्रेन पर बहुत अच्छा वर्क करती है। तो अगर पेशेंट आपके पास आकर कंप्लेन करे कि उनको इनडाइजेशन की प्रॉब्लम रहती है, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम रहती है, उनका पेट अच्छे से साफ नहीं होता, लेकिन उनको भूख बहुत ज़्यादा लगती है, यानी इतनी सारी प्रॉब्लम होने के बाद भी उनकी भूख शांत नहीं होती, तो आपको एबीस कैनेडेंसिस मेडिसिन का इस्तेमाल करना चाहिए। आपको इसकी 30 पोटेंसी को लेना है, दिन में दो दो ड्रॉप 3 बार डायरेक्ट अपनी टंग में। ये बहुत अच्छे रिजल्ट देगी। ये आपके डाइजेस्टिव सिस्टम पर प्लस यूरिनरी ट्रैक पर बहुत अच्छे से वर्क करती है। प्लस इतना ही नहीं, ये आपके लीवर पर भी बहुत अच्छा वर्क करती है। नेक्स्ट सिम्टम है, एबीस कैनेडेंसिस का जो पेशेंट होगा वो आपके क्लिनिक में आकर कंप्लेन करेगा कि उनको कोल्ड शीवर की प्रॉब्लम हो रही है, यानी उनका जो खून है वो ऐसा लग रहा है जैसे कि वो आइस वाटर बन गया है, यानी ऐसे पेशेंट को अपना खून ठंडे पानी की तरह लगेगा, तो भी आपको इस दवाई के बारे में सोचना चाहिए। हालांकि इसकी एक और मेडिसिन है एकोनाइट, उसमें भी ऐसा फील होता है, तो आपको डिफ्रेंशिएट करना होगा और दूसरे सिम्टम के साथ। नेक्स्ट, पेशेंट आपके पास आकर कंप्लेन करेगा कि वो कितना भी खाना खा ले उनकी बॉडी के अंदर कमजोरी बनी रहती है, यानी उनकी बॉडी में मिनरल्स और विटामिन सही से अब्सॉर्ब नहीं हो पा रहे, और जितना भी वो खाना खाते हैं वो उनकी बॉडी में ताकत के रूप में नज़र नहीं आता। उस कंडीशन में भी आप इस मेडिसिन के बारे में सोच सकते हैं। हालांकि वीकनेस की होम्योपैथी में और भी बहुत सारी मेडिसिन है, डिपेंड करता है आपको वीकनेस कैसी है। यहाँ पर प्रॉब्लम है, पेशेंट खा तो बहुत रहा है लेकिन उनकी बॉडी में वो अब्सॉर्ब नहीं हो पा रहा, प्लस उनको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम बहुत होती है। ऐसी कंडीशन को ट्रीट करने के लिए आप इस मेडिसिन को चुनेंगे। पेशेंट आपसे ये भी कंप्लेन करेगा कि उनको हार्ट पेल्पिटेशन का प्रॉब्लम रहता है, यानी गैस की वजह से उनकी हार्ट बीट बढ़ने लगती है, और ज़्यादा खाने की वजह से उनको ब्लोटिंग की प्रॉब्लम हो जाती है, यानी उनका पेट फूलने लगता है। उस कंडीशन में आपको ये मेडिसिन को चुनना चाहिए। इस मेडिसिन का नेक्स्ट सिम्टम है, पेशेंट आपके पास आकर ये कंप्लेन करेगा कि उनको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम रहती है, उनको गैस की प्रॉब्लम रहती है, और ये प्रॉब्लम उनके राइट शोल्डर तक चली जाती है, यानी राइट शोल्डर में उनको पेन होना शुरू हो जाता है, तो आपको ये मेडिसिन को डेफिनेटली चुनना चाहिए। ये ऐसी प्रॉब्लम को तुरंत सॉल्व कर देगी। देखिए, एबीस कैनेडेंसिस के जो पेशेंट होंगे उनको हमेशा लेटने का मन करेगा, यानी उनकी बॉडी में हमेशा थकावट रहेगी। इसके अलावा ये मेडिसिन बुज़ुर्गों पर भी बहुत अच्छे से वर्क करेगी अगर उनको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है तो। प्लस काफ़ी बार फीमेल पेशेंट की कंप्लेन होगी कि उनका जो यूट्रस है वो डिस्प्लेस हो गया है कमज़ोरी की वजह से, उस कंडीशन में ये मेडिसिन बहुत अच्छा वर्क करेगी। इसके अलावा इस मेडिसिन का जो पेशेंट होगा उनके हाथ पैर ज़्यादातर ठंडे रहेंगे। ये उन पेशेंट के लिए भी बहुत अच्छी है जो फूडीज़ हैं और उसकी वजह से उनको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हमेशा बनी रहती है। ये ऐसी प्रॉब्लम को ट्रीट करने के लिए भी बहुत इफ़ेक्टिव मेडिसिन मानी जाती है। देखिए, इस मेडिसिन का जो पेशेंट होगा उनके सिम्टम कब कब बढ़ेंगे ये जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। जब वो लंबे समय तक बैठेंगे तब उनके सिम्टम बढ़ेंगे,
प्लस अगर ऐसे पेशेंट लंबे समय तक खड़े रहते हैं तो उनके सिम्टम बढ़ेंगे, चाय पीने के बाद उनके सिम्टम बढ़ेंगे। अब जानते हैं इस मेडिसिन को लेना कैसे है। देखिए, आपको इस मेडिसिन की 6CH पोटेंसी को लेना है। अगर ये 6CH पोटेंसी आपके आसपास नहीं मिलती है तो आप 30 पोटेंसी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। इससे ऊपर की पोटेंसी आपको नहीं लेनी है, क्योंकि वो आपके डॉक्टर आपको सजेस्ट करेंगे। अगर आप सेल्फ मेडिकेशन कर रहे हैं और आपके सारे सिम्टम मैच हो रहे हैं, उस कंडीशन में आप इसकी 30 पोटेंसी को ले सकते हैं दिन में 3 बार, 2-2 ड्रॉप। तो आई होप आपने इस मेडिसिन के बारे में काफ़ी कुछ बातें नई जानी हो, और जो जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट हमने बताए हैं आपने इसे नोट डाउन जरूर किया होगा। सो फ्रेंड, दैट इज़ इट फॉर द डे। आई होप यू लाइक माई सेशन। इफ़ यू रियली लाइक इट, देन प्लीज़ सब्सक्राइब इट एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स। टिल देन, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, हैव अ गुड डे।